सो है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो से हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। तो यार मैं आ चुका हूं यहां पे माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड मैं पहले ऑब्वियसली ये गेम खेलता था, एवरीवन नोज दैट। बट हाँ, बेसिक मैकेनिक्स वगैरह तो मेरे को पता है। हाँ, और मैं पहले खेलता भी था, बट मैं बहुत दिनों से गेम कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए मेरे को उतना कुछ अभी मैं थोड़ा बहुत भूल चुका हूँ। तो चलो यार, हम लोग करते अपना सिंगल प्लेयर वर्ल्ड को क्रिएट, अपना नया दुनिया बनाएंगे गाइस, शिव की दुनिया। ओके चलो, नाम तो मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था, इसलिए नाम एकदम जॉर्ड बनाया मैंने। एंड ये होने वाला अपना सर्वाइवल सीरीज का स्टार्ट। तो भाई अगर वीडियो में नए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड सब्सक्राइब भी कर देना थोड़ा बहुत, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके चलो, क्रिएट न्यू वर्ल्ड। और हम लोग अभी कदम रखने वाले हैं अपने प्यारे से वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कदम रख चुके हैं मेरे प्यारे से वर्ल्ड के अंदर, एंड मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे स्नो में स्पॉन मिला। भाई थोड़ा सा तो शर्म करते भाई, नीचे उतरते उतरते मेरे को डैमेज पड़ेगा बहुत गंदा वाला, जो कि पड़ भी गया है। ओके चलो भाई, गाइस ये है मेरा स्किन, एंड अभी मैं करने वाला हूँ चुपचाप यहाँ पे पेड़ काटने वाला हूँ, क्योंकि ये आसपास मेरे को तो कहीं पे भी यहाँ पे विलेज नहीं दिख रहा, एंड मेरे को फर्स्ट एपिसोड में ऑब्वियसली एक विलेज चाहिए, एंड साथ साथ मेरे को चाहिए थोड़ा बहुत वो माल पानी, मेरे को चाहिए आयरन का आर्मर। बाय द वे मैं नेक्स्ट एपिसोड में घर बनाने वाला हूँ, साथ साथ अगर आपको डायमंड का आर्मर मेरे को देखना है तो जल्दी से जल्दी कमेंट में आकर बताओ। और चलो मैं आ गया फाइनल क्लाउड्स को ऑफ करके, एंड मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पेड़ वेड़ काट लेता हूँ। चलो चॉप 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 चॉप, कल जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी काटना पड़ेगा यहाँ पे। ओके चलो, दो पेड़ मिल गए, दो लॉक्स मिल गए, एंड अगर हम लोग पेड़ को काटेंगे तो ऑब्वियसली मेरे को नेक्स्ट टूल्स वूल्स में अपग्रेड होने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग टूल्स में अपग्रेड नहीं होंगे तो किसी भी तरीके से मैं यहाँ पे आयरन वायरन इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। तो बाय द वे मैं यहाँ पे जितना मिल रहा है उतना उठा लेते चलो, एंड आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर नाउ। एंड अभी मैं चुपचाप से इसको बनाने वाला हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड यहाँ पे गाइस मैं एक बनाता हूँ मेरे लिए एक पिकैक्स, एंड साथ साथ एक एक्स। ओके चलो, इतना काफी है अभी के लिए, अभी के लिए इतना काफी है, यू नो ऑब्वियसली। एंड अभी मेरे को चाहिए थोड़ा बहुत कबल स्टोन्स वगैरह, जिससे मैं थोड़ा बहुत अपग्रेड हो पाऊँ। तो चलो ढूंढते हैं थोड़ा बहुत कबल स्टोन्स। गाइस यार, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पे कहीं पर भी नहीं मिला, बट यहाँ पे मिल चुका है मेरे को कबल स्टोन्स। ओके तो चुपचाप से यहाँ मैं तोड़ लेता हूँ, एंड मैं जल्दी जल्दी अपने आयरन सॉरी स्टोन के टूल्स में अपग्रेड कर लेता हूँ। एंड अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी अपना सिस्टम बैठा के अपन एक पिकैक्स एंड एक एक्स, चलो जो इतना चाहिए था सब कुछ हो गया, एंड चलो एक स्वॉर्ड भी बना ही लेते, क्योंकि रिक्स बिल्कुल नहीं लेना हम लोगों को। तो यार जल्दी से जल्दी मैं काम करता हूँ, मैं कोई सा भी एक डायरेक्शन में जाता हूँ, एंड अगर मेरे को विलेज मिलेगा तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। तो यार जाते जाते मेरे को रास्ते में शिप मिल गया, एंड शिप का बच्चा भी मिल गया, तो मेरे को ऑब्वियसली एक बेड के लिए तो शिप को मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तीन उल से एक बेड बनाना है, एंड बेड से ही हम लोग रात को स्किप कर सकते हैं नाइट को। तो यार ऑब्वियसली आपको किल करना पड़ेगा मेरे को, एंड खाना भी चाहिए था। भाई तू बच के क्या करेगा, तू भी मर जा, तू कोई काम का नहीं है, तू भी मर जा फिर भी। देखो देखो, दरिंद की चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इविल बन रहा हूँ पता नहीं क्यों, एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं उस साइड को जाता हूँ, उस साइड को लगातार जाता हूँ, एंड आई थिंक मेरे को ऐसा पता ना ऐसा लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मेरे को उस साइड को कोई ना कोई तो विलेज मिलेगा। ओके चलो गाइज देखते, एंड मैं जाते जाते आई थिंक रास्ते में थोड़ा बहुत खाना वाना भी बना लूंगा, चलो अगर मिल गया तो। 2000 years later गाइस यार, मैं फाइनली बहुत दूर से आते आते मेरे को फाइनली गाइस सामने मिल चुका है चेरी ब्लॉसम बायोम, जिस बायोम पे मेरे को अपना घर बनाना है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इस बायोम का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लूंगा, एंड कोऑर्डिनेट सेव कर लूंगा, क्योंकि मेरे को बाद में यहाँ पे घर बनाना है। बट यहाँ पे गाइस मेरे को एक और चीज़ मिला है, वो है एक बहुत बड़ा सा केव, क्या मेरे को जाना चाहिए, लेकिन नहीं मैं सोचता अभी नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, भाई साहब नीचे बहुत कुछ है भाई, मैं एक काम करता हूँ ऊपर जो भी माल पानी दिख रहा है मैं उठा लेता हूँ पहले खाना के लिए, एंड उसके बाद ही मैं नीचे जाने वाला हूँ थोड़ा बहुत ढूंढने के। गाइस कुछ भी मिल गया तो बहुत बढ़िया। तो यार जल्दी से शिप वगैरह आ जाओ मेरे पे, खाना चाहिए भाई बहुत भयंकर लेवल का, एंड नीचे जाके मैं उन लोगों को इजीली पका पाऊंगा। आ जाओ, एक्चुअली देखो यहाँ पे एक और चीज़ मेरे को दिखा है, वो है खुले में पम्पकिन। ऐसे नॉर्मल अगर पम्पकिन रहता है ना नॉर्मली एज अ वर्ल्ड में रैंडम स्पॉन होता है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ऑलमोस्ट विलेज होने का चांसेस वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो आई थिंक गाइस यहाँ पे कोई ना कोई तो विलेज होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो चलो गाइस चलते हैं, लेकिन नीचे हाइट गाइस बहुत ज्यादा है। ओके गाइस चलो मैं नीचे आ चुका हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड मैं चुपचाप से यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरे को चाहिए पहले तो एक आयरन, या फिर चार आयरन भी काफी है मेरे को। फर्स्टली एक शील्ड चाहिए, एक वाटर बकेट जिससे मैं क्लचेस वगैरह इजीली कर पाऊँ, एंड यहाँ पे तो आयरन नहीं है भाई, आयरन ढूंढना पड़ेगा गाइस। आयरन ढूंढने में भी अभी बहुत प्रॉब्लम होता है, ये एक्चुअल 1.20 का अपडेट ही बहुत भयंकर लेवल का। तो चलो मैं उस साइड को जाता हूँ, यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ। माय गॉड, स्केलेटन से पंगा बिल्कुल नहीं लेना भाई,
स्केलेटन से मैं बहुत डरता हूँ अभी भी, एंड क्रीपर से। एंड अभी चलो मेरे को जाना है नीच। होली शिट भाई, मैं फिर से वहां पे आ गया यार, मैं फिर से वहां पे आ गया। तो चलो गाइस यार मैं जाता हूँ फिर से वहां पे, एंड देखते चलो क्या होता है वहां पे। 2000 years later. Alright guys, कैसे ना कैसे करके मैं उस जगह पे तो आ गया, बट मैं अपना जो भी मेरे पास आयरन वायरन था, आयरन बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास जितना भी स्टोन वगैरह था वो मेरे को नहीं मिला भाई। तो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है आयरन, तो चलो अभी मैं लोगों को किल करके आयरन लेता हूँ। ओके चलो, वन हिट किल कैसे हो गया मेरे को पता नहीं भाई। तो अभी मैं फटाफट से काम करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ पे अपने लिए स्टोन्स वगैरह इकट्ठा करता हूँ। एंड मेरे पास अगर स्टिक्स वगैरह, अभी तो मेरे पास वुड भी नहीं है भाई, ये तो एक और बड़ा प्रॉब्लम है। एंड सामने स्केलेटन भैया भी है, तो चलो मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैं उस साइड को जाता हूँ। अगर उस साइड को आयरन मिला तो बहुत बढ़िया। एंड मेरे को ध्यान से चलना है, मेरे को ड्रिप स्टोन के ऊपर बिल्कुल भी कदम नहीं रखना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मर सकता हूँ। फाइनली आयरन, फाइनली। ओके चलो यहाँ से मैं फटाफट से जितना हो सके आयरन उठा लेता हूँ। उसके बाद मेरे को जाना है बाहर, क्योंकि मेरे पे ना तो है ढंग का खाना, ना तो है मेरे पास ढंग का कुछ सामान वगैरह एक्स्ट्रा। मैं गरीब हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि इतने सारे आयरन के साथ मैं मर जाऊँ। आई थिंक इट्स टाइम मेरे को निकल लेना चाहिए इस गुफा से, क्योंकि मैं जितना देर तक यहाँ पे रहूँगा मैं आई थिंक स्टारवेशन के कारण मर सकता हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पे और भी थोड़ा बहुत आयरन से। गाइस लालच बहुत खराब चीज़ है और जो मैं कर रहा हूँ अभी, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा लालची बन रहा हूँ अभी। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई ना मेरे को फिलहाल। ओह माय गॉड, यही बोल रहा था मैं, इसके ऊपर कदम नहीं रखना मेरे को। ऑलमोस्ट घोटे गले में आ गए थे भाई। हाँ यहाँ पे और भी आयरन वगैरह है, सामने गाइस आई थिंक एमेथिस्ट है, एंड उस साइड को गाइस एक स्केलेटन भी है। मेरे को पता नहीं मैं कैसे निकलने वाला हूँ। 10 years later. गाइस मैं एक्चुअली वहाँ उस केव से तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे गाइस मेरे को एक विलेज मिल गया गाइस। एंड मैं अपने लिए आर्मर कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, तो मैं कभी भी एक्चुअली मैं मर सकता हूँ। एंड मेरे को अभी चाहिए एक तो आर्मर, उसके साथ साथ खाना भी चाहिए मेरे को बहुत जल्दी तरीके से। एंड मेरे पे सामने गाइस पिगीज वगैरह दिख रहा है, लेकिन इस विलेज में अगर गाइस वो होगा ब्रेड वगैरह होगा तो मैं इजीली खा पाऊंगा अभी, एंड अपना पेट को भर पाऊंगा अभी। चलो गाइस यहाँ मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम करता हूँ, सो जाता हूँ। अगर खाना नहीं मिलेगा विलेज में आके भी तो भाई किस बात की विलेज हुआ है, तो अभी खाना नहीं है गाइस। खाना मिल जाओ भाई, खाना, आई वॉन्ट खाना भाई। रुको गाइस, मेरे को आई डोंट थिंक कि मेरे को यहाँ पे खाना मिलने वाला है, तो यू हैव टू डाई 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 डाई। सामने कौन आ जा भाई, मार भाई, मर जाओ, तुम खुद से आके मर जाओ, अपना बलि दे दो भाई, तुम आके चुपचाप बलि तड़वा दो भाई अपना खुद। एंड यहाँ पे मैं काम करता हूँ, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके भाई खाने का सिस्टम पानी बनाना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो मैं कभी भी मर सकता हूँ, कभी भी। मैं ऑब्वियसली विलेज के घर से लेने वाला हूँ ये सब। यहाँ पे गाइस फाइनली मैंने अपना पेट तो भर लिया है, एंड मैं खाने का एकदम सिस्टम पानी मेरे साथ हमेशा रखूंगा। एंड अभी मेरे को एक और चीज चाहिए, जो की है एक और फर्नेस, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इसको स्मेल्ट करना है। एंड मेरे को थोड़ा बहुत कोल भी चाहिए, ऑब्वियसली कोल नहीं है मेरे पे बिल्कुल भी। ओके चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल्स वगैरह लेता हूँ। ओके गाइस मैंने फाइनली यहाँ पे कोल वोल तो इकट्ठा कर लिया है, एंड मैं अभी ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके मैं इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ अभी। चलो पकाते अपने ड्रेस वगैरह को, आयरन्स को, अपना आयरन्स का आर्मर वगैरह बना लेते गाइस। चलो 1 2 3 एंड लास्ट ये है अपना चड्ढी। ओके चलो, तो अभी मैं अपने शुद्ध हाथों से अपना फर्स्ट आर्मर पहनने वाला हूँ गाइस इस सर्वाइवल सीरीज का, तो आप लोग रेडी हो जाओ जल्दी से जल्दी। एंड मैं यहाँ पे एक सेकंड गाइस, मैं शेडर लगा के, और शेडर लगा के और कूल दिखेगा ना। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ शेडर लगा के, एंड आई थिंक कि ये सबका फेवरेट शेडर होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द बंदों का यही फेवरेट शेडर होता है, दैट इज BSL शेडर। एंड ये ज़्यादा हाई एंड शेडर भी नहीं है, ज़्यादा लो एंड शेडर भी नहीं है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से इसको गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहन लेता हूँ। ओके चलो गाइस फाइनली मेरे पे आ चुका है गाइस अपना सिस्टम पानी, एकदम देख लो, ये देखो गाइस मेरे पे एकदम पूरा अपना आयरन का आर्मर वगैरह आ चुका है। गाइस एक चीज बता सकते हो तुम मेरे को कमेंट में आकर, कि मैं नेक्स्ट एपिसोड से क्या शेडर लगा के खेलूंगा। गाइस तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूंगा। रुको मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले तो मैं अपने लिए एक बनाने वाला हूँ पिक एक्स बनाते हैं, गेटिंग एन अपग्रेड इज इन दैट आयरन पिक। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग लेंगे एक एक्स और शॉर्ट बनाने के लिए भी औकात नहीं है, तो एक मैं काम करता हूँ, स्वॉर्ड बनाने की जगह मैं एक बना लेता हूँ अपने लिए एक शील्ड, क्योंकि शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके चलो। एंड अभी मैं यहाँ पे फटाफट अपने टूल्स को यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं आज के एपिसोड में सिर्फ बोल दिया कि मैं आयरन का टूल्स वगैरह बनाने वाला था और कुछ नहीं। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में मैं अपने लिए घर बनाने वाला हूँ एंड बहुत कुछ करने वाला हूँ। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, बाय बाय।